सुल्तानपुर जिले के चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड मामले में आज पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि घटना में शामिल मुख्य आरोपी महिला और उसकी बेटी अभी भी फरार हैं। पुलिस का दावा है कि घटना में प्रयुक्त कार और आला कत्ल भी बरामद कर लिया है और इन्हें जेल भेज रही है। बताते चले कि बीती 3 दिसंबर को नगर कोतवाली क्षेत्र के गोलाघाट का रहने वाला हिमांशु प्रताप सिंह को शास्त्री नगर की रहने वाली प्रतिभा उपाध्याय और उसकी बेटी सजल मिश्रा ने मिलने के बहाने बुलाया था। उसके बाद से हिमांशु गायब हो गया। काफी खोजबीन करने पर जब हिमांशु का पता ना चल सका तो हिमांशु के छोटे भाई शिवेंद्र ने प्रतिभा उपाध्याय और उसकी बेटी सजल मिश्रा के खिलाफ अपहरण कर हत्या की आशंका जाहिर की थी। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन उसकी कोई खोज खबर नहीं लगी। दिलचस्प बात तो यह है कि घटना के अगले दिन ही 4 दिसंबर को बाराबंकी जिले लोनी कटरा स्थित एक नाले में एक अज्ञात शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त 8 दिसंबर को परिजनों ने हिमांशु के शव के रूप में की थी। इसी मामले में पुलिस प्रतिभा उपाध्याय, उसकी बेटी सजल मिश्रा समेत घटना में शामिल आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी मामले में आज पुलिस ने नगर कोतवाली चौक इलाके के रहने वाले गुफरान और चांदा कोतवाली के कोथरा गाँव के रहने वाले हिस्ट्री शीटर वाहिद खान को नगर कोतवाली के पयागीपुर चौराहे के पास से घटना में प्रयुक्त वाहन और आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो गुफरान ने ही पूरी घटना की साजिश रची थी और वाहिद को घटना के दूसरे दिन 50,000 रुपए भी दिया गया। इसी मामले में एक आरोपी प्रदीप मिश्रा पुलिस को पहले ही जेल भेज चुकी है। ये थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत पिछले दिनों अपहरण कर हत्या कर देने का एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें लाश को लोनी कटरा थाना अंतर्गत बाराबंकी के तहत बरामद किया गया था। उसी घटना के अनावरण के लिए पहले भी प्रयास किया कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज उसी क्रम में दो अभियुक्तों को फिर से गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर घटना में जो प्रयुक्त कार थी उसको बरामद किया गया है, उसकी निशानदेही पर आला कत्ल को भी बरामद किया गया है और इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, जिसमें एक थाना चांदा का मजारिया हिस्ट्री सीटर वाहिद और दूसरा थाना कोतवाली नगर का रहने वाला गुफरान अहमद है।